ये स्वचालित है, मतलब पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और इसका खास फायदा है कि हाइजीन का इसमें बकायदा ध्यान रखा गया है। कम्फर्ट ऑफ क्रूज, सेविंग लेस टाइम, इतना अच्छा पूरे देश में नेटवर्क किया है, डेफिनेटली हेल्प ऑल सिटीजंस। ये बहुत बड़ी सौगात है और मुझको लगता है कि विशाखापट्टनम और छत्तीसगढ़ रायपुर आपस में जुड़ सा गया है। बस थोड़ा टाइमिंग का है क्योंकि रायपुर से अर्ली मॉर्निंग चलेगा, वाइजेक के बाद उनको इधर का ट्रिप समझ में नहीं आता। पहली बार ट्रेन में चढ़ा, ये ट्रेन में, बाकी तो बहुत ट्रेन में बहुत बार चढ़े हैं, बहुत दूर दूर तक गए। कुलदीप निगम वृद्धाश्रम की तरफ से हम सबको लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा होगा क्योंकि अगर आप इमरजेंसी भी रहेगा तो जल्दी पहुँच सकते हैं। वर्तमान में जो ट्रेनें चलती हैं दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच में या रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में, ये लगभग 11 घंटे टाइम लेती है। छत्तीसगढ़ को एक और नई सौगात आज मिल चुकी है, दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा जिसका इनॉग्रल रन आज किया गया है। और रायपुर रेलवे स्टेशन से विशाखापट्टनम के लिए इस वंदे भारत एक्सप्रेस को दुल्हन की तरह सजा के रवाना किया गया है। और आपको बता दूं, इस ट्रेन से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तीन राज्यों के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और आंध्र प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, आंध्र एसोसिएशन से जो जुड़े हुए लोग हैं, लंबे समय से एक मांग थी कि फास्ट ट्रेन विशाखापट्टनम की कनेक्टिविटी के लिए होनी चाहिए। अंदर ट्रेन के हम ट्रैवल करेंगे और वहां पर आपको बताएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की सुविधा है और इस ट्रेन के शुरू होने से किस तरीके का फायदा मिलेगा। हाँ, वंदे भारत में हम सफ़र कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत है और कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले कहा था कि इससे देखिए यह स्वचालित है, मतलब पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और इसका खास फायदा है कि हाइजीन का इसमें बकायदा ध्यान रखा गया है और टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी क्योंकि विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से भी बड़ा सेंटर है। एक नई सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है, क्या कहेंगे सर? रेलवे वंडरफुल, बहुत अच्छा काम किया है। कम्फर्ट ऑफ क्रूज, सेविंग लेस टाइम, इतना अच्छा पूरे देश में नेटवर्क किया, इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल सिटीजंस, बिजनेस पीपल, स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। देखिए इस ट्रेन में हमारे साथ पद्मश्री, पद्म अवार्डी जो हैं अजय मंडावी जी भी हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे भी उनके एक्सपीरियंस जानते हैं। अजय जी बताइए, क्या अनुभव आपका है वंदे भारत में, आप ट्रैवल कर रहे हैं विशाखापट्टनम के लिए, नई ट्रेन सौगात मिली है? जी, ये बहुत बड़ी सौगात है और मुझको लगता है कि विशाखापट्टनम और छत्तीसगढ़ रायपुर आपस में जुड़ सा गया है। बस थोड़ा टाइमिंग का है क्योंकि रायपुर से अर्ली मॉर्निंग चलेगा और बस्तर वाले लोग अक्सर विशाखापट्टनम जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके लिए थोड़ा समय अगर मॉर्निंग 8 बजे भी होता तो वो शायद मैच कर पाता बहुत अच्छे से। मतलब एक नई शुरुआत हुई है, दूसरी वंदे भारत हो गई है और बेहतर विकास हो सकता है समझा जाए इससे, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन और टूरिज्म दोनों बढ़ेगा इससे। टूरिज्म तो बहुत बढ़ेगा क्योंकि कलकत्ता से जो टूरिस्ट आते हैं वो वाइजैक तक आते हैं, वाइजैक के बाद उनको इधर का ट्रिप समझ में नहीं आता तो वो या तो फिर ट्रेन से जगदलपुर तक आ जाते हैं, वही टूरिस्ट अब इस ट्रेन से सीधे रायपुर तक आएंगे और आसपास टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है विशाखापट्टनम के लिए, कितना फ़ायदा होगा और आप पहली बार आज इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ट्रेन में चढ़ा, ये ट्रेन में, बाकी तो बहुत ट्रेन में बहुत बार चढ़े हैं, बहुत दूर दूर तक गए और वंदे मातरम ट्रेन में पहली बार चढ़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी पहली बार जा रहे हैं, अपना कुलदीप निगम वृद्धाश्रम की तरफ से हम सबको लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अलग अलग स्पेशल रन है ये ट्रेन का और उसमें इनवाइटीज़ को बुलाया गया, जिसमें जो अवार्डीज हैं अलग अलग जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बुलाया गया। कुल मिलाकर ज़बरदस्त उत्साह इस ट्रेन को लेकर दिख रहा है, पीछे आवाज़ से सुनाई दे रहा होगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सी उधर भी कैमरा करे। और देखिए यहाँ पर इससे समझ में आ सकता है कि कितना ज़्यादा उत्साह यहाँ पर है। ये विशाखापट्टनम तक ये ट्रेन सुविधा मिली है, इससे कितना फ़ायदा होगा छत्तीसगढ़ को लगता है? छत्तीसगढ़ को बहुत फ़ायदा है और ख़ास करके रायपुर दुर्ग वाले लोगों को उत्साह ज़्यादा है क्योंकि पहली बार इतनी अच्छी सुविधा ट्रेन की चली है। इसके लिए मोदी जी को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं राजेंद्र निगम, अध्यक्ष है कुलदीप निगम वृद्धाश्रम माना कैंप। हमारे वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों को इस ट्रेन में, विशेष ट्रेन में यात्रा का अनुभव मिल रहा है, उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई।
वंदे भारत जो विशाखापट्टनम के लिए शुरू हो रही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीन राज्यों को जोड़ रही है, और इनॉग्रल के अवसर पर देखेंगे कि जो स्कूल की बच्चियां हैं वो आज प्रॉपर परिधान में आए हैं, खासकर ये आंध्र प्रदेश का ड्रेसअप है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कितना खुशी आप लोग को आज इस ट्रेन इनॉग्रेशन हुआ इसका? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, हमें बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना फ़ायदा होगा लगता है आप लोग को विशाखापट्टनम के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलने से? अब अच्छा होगा क्योंकि अगर आप इमरजेंसी भी रहेगा तो जल्दी पहुंच सकते हैं। देखिए प्रॉपर गेटअप में आए हैं और इनसे बातचीत में समझ में आ रहा है कि एक चेहरे पे खुशी है और सबका यही कहना है कि समय की बचत होगी और फायदा बहुत मिलेगा क्योंकि जल्दी पहुंच सकेंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। वाला टूरिस्ट स्पॉट है, पढ़ने की बहुत ज़्यादा सुविधा है, कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अभी वर्तमान में जो ट्रेनें चलती हैं दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच में या रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में, ये लगभग 11 घंटे टाइम लेती है। ये जो वंदे भारत आज जिसका इनॉग्रल रन है, ये दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच की डिस्टेंस को सिर्फ 8 घंटे में तय करेगी और ये एग्जाम्पल है हमारे आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी इंडिजिनियस ट्रेन का।